इतने अच्छे तरीके से निभाया है करण ने, सना ने, सना तो अब मैं बोलूंगा अगर 2016 से बात चल रही है क्या था फर्स्ट व्हाट्सएप मैसेज देखना चाहिए एक्चुअली. सो जब हमने जिहाल किया था तो फर्स्ट टाइम जो हमको ऐसा हुआ कि कौन होना चाहिए इसमें, तो हमने सना को फोन किया और सना उस टाइम पर शी डजंट वांटेड टू डू सिंगल. तो सना ने बोला यस भाई आप प्लीज भेज दीजिए गाना 100% मैं सुन लेती हूँ. और उसके बाद में सना ने रिप्लाई नहीं किया. ओह गॉड, गोस्ट किया आपने. लिसन, मी एंड जावेद मोहसिन भाई, वी गो लॉन्ग बैक. देयर इज अ पर्सनल कनेक्ट, नॉट प्रोफेशन कनेक्ट. सो माइक थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा. हेलो हेलो, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए साउंड ज्यादा. पर्सनली गोस्ट कर दिया तुमने. पर्सनली गोस्ट नहीं किया, मेरे भाई है तो मैंने भाई बोलती हूँ. तो ऑफकोर्स एक होता है ना, फैमिली से आता है तो फिर आप मना नहीं कर सकते. तो शायद मैंने इसीलिए ने रिप्लाई नहीं किया. नहीं, इसका असली रीजन मैं बताता हूँ. नहीं, मैं असली मैं बता दूँ. नहीं, तो यही है, गाने को खूबसूरत बनाने के लिए हम सब ने बहुत मेहनत करी है. यूनिवर्सल की एंटायर टीम, गौरव भाई, शानुजीत, देवराज सान्याल, साजिद भाई, नीरज, पृथ्वी, राहुल, इतनी सब लोग ने हमको सपोर्ट किया है और इतना हमारे ऊपर भरोसा किया ये गाने को रिक्रिएट करने के लिए. और अब देखिए लोग बाबू को कैसे पसंद आता है. Absolutely. सना, इस गाने में इमोशन का भंडार है. शुरू होता है क्यूटनेस से, फिर थोड़ा रोमांटिक, फिर थोड़ा सैड, फिर थोड़ा गुस्सा, फिर थोड़ा रिवेंज. ये 4 मिनट में सारे इमोशन दिखा दिए आपने. तो बस आज की नारी दिखानी है जो सबसे. सो आई वुड से जो कॉन्सेप्ट था पूरे सॉन्ग का, आई थिंक आई वांटेड टू डू जस्टिस. सो दैट्स व्हाई वी केप्ट इट, जैसा आपने बोला, स्लो, ऊपर 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 एंड देन इन द एंड थडैक. सो आज की नारी सब पे भारी. एब्सोल्युटली, नो डाउट. एंड ऑफ कोर्स नुसरत फतेह अली का गाना है, रिक्रिएट हुआ है, तो कोई दमदार वॉइस चाहिए थी. एंड ज्योति नूरान्स वॉइस हैज दैट दमदारनेस इन हर. एंड थैंक यू भाई, थैंक यू गौरव, थैंक यू पृथ्वी एंड द होल वायरल टीम. थैंक यू एवरीबडी, आज आप लोग आए, विक्टर टैंगो, थैंक यू मेघा फॉर सजेस्टिंग माय नेम. एक्चुअली मेघा थी जिनके दिमाग में पहले मैं आई थी. ओ क्या बात है, मेघा को रेगुलरली रिप्लाई जा रहा है व्हाट्सएप का. नो नो, बट थैंक यू टू द एंटायर टीम. एंड आई थिंक अभी देखते हैं कि ऑडियंस को कैसा अच्छा लगता है, फैंस को कैसा लगता है. सो बस वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट. ओके करण भाई, ये वाज फॉर दिस सॉन्ग. यार ये हो गया इसके लिए. अच्छा, बैट तो परफेक्टली रहा है इस गाने के लिए. बैट तो गया, मैं तो डरा हुआ था कहीं मेरे को निकाल ही ना दे देने, छोटे बाल करके आ गया, ये थोड़ी ना चाहिए हमें. बट जावेद भाई भी इज्जत की बात कर रहे थे. ऑफ कोर्स इज्जत तो बहुत मिलती है, और जब इज्जत नहीं मिलती तो आपने वीडियो में देख लिया क्या होता है. तो मैं इस म्यूजिक यू नो सिंगल्स की दुनिया में नया हूँ. अभी तक काफ़ी आए थे ऑफर्स, बट कभी भी ऐसा कुछ नहीं था जिसमें कोई स्टोरी सुनने को मिले और ऐसा कुछ हो रहा हो. एंड वैभव एंड आई गो लॉन्ग बैक, वी हैव डन सम वेब सीरीज टुगेदर. जब वैभव का फोन आया तो मुझे लगा ये क्यों कर रहा है सब कुछ, मुझे तो देखना पड़ेगा जाके. तो फिर बैठे हम, और जब बैठे तो देखा कि इतने बड़े 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 लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ, राइट फ्रॉम यूनिवर्सल वायरल, गौरव, पृथ्वी, नीरज, राहुल, द डायरेक्टर्स. और नाम तो अब हम कितनी बार सुन चुके हैं सबका. जावेद भाई, मोहसिन भाई इधर हैं ही, ज्योति नूरान जी हैं, और नुसरत साहब तो क्या बोलूँ मैं. तो इसके अंदर तो मतलब ऐसा था कि मेरे को आँखें बंद पैसे दे के आता मैं. क्या बात, इन्होंने तो फिर पैसे दिए हैं मुझे. पहले पता होता तो इन लोग ऑफर यही करते फिर. तो अब वो 10 गानों का जो वो कर रहे थे, मेरी तरफ से भी बोल दो. अच्छा, पैकेज डील करा लो, पैकेज डील करा लो मेरी. सो थैंक यू सो मच. एंड आई ऑलवेज से दैट एक्टर इज जस्ट अ स्ट्रैंड इन द पेंट ब्रश ऑफ पेंटिंग. इतने लोग जुड़े होते हैं साथ में, तो ये तो कैनवस ही इतना अच्छा था. एंड कलर्स और पेंट तो आपने देख लिया, और जो 4 चांद सना जी ने लगाया है उस पे, वाह, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू. आपने भी चांद लगाया है. अरे वो तो आपके साथ रह के हो गया बस. Hashtag mutual admiration club. Yes, thank you. Lights off. Gaurav, couldn't time have better na yaar. Dono winners hain. Isse zyada perfect timing ho nahi sakti thi this gaane ki. Stars were aligned. Nahi, I mean, irrespective of them winning, we would have worked with them because they're fantastic actors. Their commitment to the craft. Like, hum log shoot kar rahe the. Sana usse pehle bahar se shoot karke aayi thi immediately. But ye nahi ki mujhe break chahiye. 2 din, 4 din, 5 din. She landed up on the set immediately. There is a lot of stuff that Karan did impromptu, which for reasons we haven't been able to show in the edit. Matlab ek wo water fountain tha, wahan ja ke mun mein dal ke aise pani kar pi liya,
मतलब मैं था नहीं शूट पे, मुझे टीम ने बताया, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, जॉन्डिस वगैरह ना हो जाए तो, बट फैंटास्टिक कमिटमेंट फ्रॉम बोथ एंड इट शोज द वे दे लुकिंग, द वे दे परफॉर्म, द एंटायर लुक ऑफ द वीडियो, इट जस्ट कम आउट सो वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू गाइस, थैंक यू दैट यू टाइम. ये क्वेश्चन पैकेज रील के लिए था. हां जी, बंदे की बात पहले. ऑलराइट, बिफोर आई थ्रो द डाइस टू जनता वाइट्स फॉर पीपल टू आस्क, एक फरमाइश चाहिए कि इस गाने का कुछ अगर हुक स्टेप आप बना पाए आप दोनों तो क्या होगा, तो इंस्टा पे सब लोग फॉलो करें. हुक कुछ नहीं है इसमें, बस वो नहीं एंड वाला थोड़ी कर सकते हैं वापस, हुक स्टेप है. बट इन केस इफ यू वांट टू डू समथिंग, एक गाना चलाते हैं, लेट्स सी नेचुरली क्या ऑर्गेनिकली क्रिएट होके आता है ना. बिल्कुल है ना, सना एंड करण का चाहिए एक हुक स्टेप तो बनता है इस गाने के, है कि नहीं. हाँ बनता है, बनता है एक तो. आ जाओ, चलो आ जाओ, गाना लगाया जाए. विल हैव अ हुक स्टेप राइट नाउ लाइव क्रिएटेड हियर. सारे मीडिया वाले थैंक यू, आपको मैं बोलना चाहूंगा ये वीडियो वायरल हो सकता है. हाँ किसको हटाए, तिवारी जी थोड़ा हटिए, पीछे फोकस नहीं आ रहा है. तिवारी जी फ्रेम में आ रहे हैं आप. अच्छा चलिए, लेट्स हैव द सॉन्ग. सॉन्ग चलाइए, ट्रैक चलाइए. वाह, फॉर द फर्स्ट टाइम गाइज कुछ नया हो रहा है. जोरदार तालियां फॉर करण एंड सना गाइस. ये तालियां तो मार दो और गाइस थोड़ा चला दो ना. Thank you, this Javed bhai, Mohsin bhai, Gaurav, please come on stage. We'll request everybody, jisko jinko kuch puchna, everybody can come forward and just talk to them. Get it? Get the. Kya bol rahe? Acha acha acha. A photo up kara lo, ek photo with the team. या अगर किसी को सवाल है तो हाथ ऊपर कीजिए, विल जस्ट सेंड द माइक. हेलो, हाय, दिस इज मेघना हियर फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन. हाय हाय सना, हाउ आर यू? यू लुक सो. Can I? Yes, yes, yes. Please. So, song बहुत प्यारा लग रहा है, emotional भी है, और थोड़ा इसमें जो cheating वाला दिखाया है ना, in real life सना, if कोई आपका partner ऐसा cheating करता तो कर देंगे आप? Real life में मार तो नहीं सकती, but हाँ छोड़ जरूर सकती हूँ. So, मारूंगी तो नहीं, but छोड़ तो दूंगी. और वो मरने से ज़्यादा चुभेगा. दूसरा सवाल ये है कि व्हाट इज योर लव लैंग्वेज, लाइक इसमें तो अलग लव दिखाया गया है. योर लव लैंग्वेज? माय लव लैंग्वेज. आप दोनों से मैंने पूछा है. टच, फील, फील, केमिस्ट्री, बायोलॉजी.
जियोग्राफी ऑलराइट अरे कुमार भाई क्या थैंक यू सो मच थैंक यू हेलो सना हाय करण फर्स्ट ऑफ ऑल अजय आपने एक्ट किया है कि आपने कंज्यूमिंग लिंकर बहुत सारा सच में किया था कि ऐसे एक्ट किया है आपने नहीं दिस इज फॉर करण या इसमें तो नहीं पी पाया मैं क्योंकि सेट पे होता हूं तो आई अवॉइड बट वैसे लाइफ में बहुत पिया है मैंने तो मुझे पता है मैं पी के क्या करता हूं इन्फ्लुएंस थे मतलब पर्सनल लाइफ से मैं सॉरी इन्फ्लुएंस थे मतलब थोड़ा सा सो व्हेन आई प्ले अ कैरेक्टर आई डोंट जज इट ओके मैं तो उसके साथ हूं ना मैं वो तो जो कर रहा है ठीक कर रहा है अपने हिसाब से सो वैसा है अगर पी रहा है तो पी रहा है मतलब देयर आर पीपल लाइक दिस सो वी आर पोर्ट्रेइंग समथिंग एग्जैक्टली नॉट दैट आई बैक इट और आई एंडोर्स इट बट ठीक है ओके कहानी है ओके थैंक यू सो नेक्स्ट क्वेश्चन सना आपने लास्ट में जो मतलब गोली मारी एंड यू आर शोइंग द वुमेन एम्पावरमेंट और भी दुर्गा पूजा आने वाला है सो थिंक काइंड ऑफ और भी ये कल महालया है एंड यू लाइक आज लॉन्च हो रहा है तो काइंड ऑफ वो फीलिंग लेके आए थे कि नहीं अभी हमारे साथ कोई चीट करेगा तो एकदम ऐसा बन जाएगा और कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस था कि ये टाइम भी आ रहा है ऐसा नहीं नहीं मेरे लिए इन्फ्लुएंस था बट इट्स अ मैसेज आउट टू एवरीबॉडी दैट यू नो एज अ वुमन हम बहुत सहन शक्ति जो हमारी होती है ना बहुत होती है बट टू अ लिमिट इट्स टाइम टू गिव बैक राइट सो अगर आप वीडियो में भी देखेंगे तो वो बहुत सहमी सी है यू नो शी इज ट्राइंग टू कोप अप विद एवरीथिंग बट जब उसके बारे में बात आती है तो she doesn't hesitate yeah she has to take that step so yes it is women empowerment yes exactly it is aap rehti to kya karti aap mujhe ye batao exactly main bhi same karti yeah thank you so yeah so next question dono se kaisa experience raha saath mein aur aage bhi kya saath mein karan ko to main bahut saalon se janti hu to experience comfort main messages 2015 se kar raha hu okay थैंक यू सो मच मेरे को भी ऐसे ही कर देती है जवाब नहीं देती थी अब मेरे को म्यूजिक वीडियो में पकड़ना पड़ा इसे थैंक यू ओके ऐसी कोई बात नहीं बट इट वाज फन इट वाज लवली यस ऑफ कोर्स सना एंड मी गो अ लॉन्ग वे मैं काम पहली बार किया ना साथ में बट कॉमन फ्रेंड्स के जरिए वी वर ऑलवेज दिस एनर्जीज कई बार कनेक्ट कर जाती हैं एग्जैक्टली सो वी जस्ट डिडंट इवन हैव टू रिहर्स हम सेट पे आए एंड वी वर जस्ट एट इट थैंक यू थैंक यू थैंक यू पीछे 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 ओके इधर इधर पीछे थैंक यू सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉन्ग थोड़ा सूफी काइंड ऑफ लग रहा है क्या इन्फ्लुएंस है मतलब सिंगिंग में तो उसके बारे में कुछ बताइए मतलब जैसे सूफी रहता है ना संत दे आर सिंगिंग आई थिंक मजार्स एंड ऑल तो उससे इन्फ्लुएंस है क्या सूफी काइंड ऑफ सॉन्ग गाने का फील बिल्कुल सूफी है और जो नुसरत साहब की ये जो गज़ल है ये भी सूफी गज़ल ही है तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने वो हल्का सा एसेंस रखा है उसके अंदर और गाना बनाया तो आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा सा सूफी फील है एग्जैक्टली दैट्स व्हाई इट्स लुक वेरी क्लासिक आल्सो यस हाय एवरीवन शादमा दिस साइड फ्रॉम टीवी मसाला मेरा सवाल सबसे पहले जावेद मोहसिन से है बिकॉज आप लोग दोनों का टाइप यूनिवर्सल और वायरल के साथ में काफ़ी लंबे समय से हैं और हम आप लोगों का गाना पसंद भी करते हैं देखते भी हैं हाउ डू यू गाइज मैनेज टू ब्रिंग दैट फ्रेशनेस और न्यूनेस कैसे हर बार लेकर आने के लिए मैनेज करते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी गाना हम करें वो गाने बहुत लाइक लोग भावों को पसंद आए और वो गाने में हर गाने में है ना हम अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं जैसे कि कहना गलत गलत एक रिक्रिएशन है नुसरत साहब की रिक्रिएशन है तो उसको हमने एक अलग तरीके से एक अपने अंदाज में वो गाने को बनाया है और ज्योति नूरन जी ने गाया है और कुणाल वर्मा ने लिखा है तो हमने कोशिश ये करी है कि गाना ऐसा बने कि आज के लोग बाहों को भी पसंद आए ये एक पुराने टाइम के लोग बाहों का फेवरेट गाना है और आज के जो नई जनरेशन हमारी सुने तो उनको ज़्यादा पसंद आए तो हमने कोशिश करी है और हमेशा जब भी हम यूनिवर्सल वायरल के साथ में काम करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हमारा हर गाना एक नया और एक फ्रेश साउंड करे एग्जैक्टली क्या होता है कि व्हेन यू आर रिक्रिएटिंग अ क्लासिक इनफैक्ट हमारा ये दूसरा क्लासिक रिक्रिएशन है ओरिजिनल्स तो हम लोग करते हैं साथ में लेकिन ये एक रिक्रिएशन है तो इसमें जिम्मेदारी बड़ी बढ़ जाती है
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जब हमने जिहाले मिस्की किया था तो बहुत ज़्यादा मशहूर मारूफ हुआ, और मोहसिन ने मुझे उसके कुछ कमेंट्स बताए, तो उसके अंदर आया था कि भाई पुराना वाला तो अच्छा था ही, लेकिन नया वाला भी 19 नहीं है। एग्जैक्टली ये कमेंट मोहसिन ने मुझे भेजा। तो नई जनरेशन को पुरानी चीज़ों से वाकिफ़ करवाना और एक नए अंदाज के अंदर, वो बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। एंड आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव डन इट वेल एंड पीपल आर लविंग इट एंड द सॉन्ग इज़ ऑलरेडी कैचिंग ऑन। एंड ऑफ कोर्स करण एंड सना आर देयर एंड द एंटायर टीम, आप सब लोग हैं, वायरल सब लोग हैं, इट्स गोना, वी हैव गॉट हाई होप्स फ्रॉम दिस सॉन्ग इज़ वेल। डेफिनेटली करण एंड सना, हमारे सामने दो विनर्स खड़े हैं दोनों ही अलग अलग शोज़ के, बट वॉट इज़ दैट वन क्वालिटी जो आप दोनों में मैच करती है, बिकॉज आप दोनों काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, तो कौन सी क्वालिटी मैच करती है आप दोनों की? दोनों आई थिंक थोड़े जिंदा दिल टाइप हैं, और थोड़ा सा एक जैसे आप स्पार्क देखते हो ना सना में, तो वो बहुत कंटेजियस है। सो आई थिंक जब हम दोनों साथ में आ जाते हैं लेके, सो इट एज इट इज आग लगी जाती है, तो रेडी रहो इस गाने के साथ आग लगाने के लिए। सना क्या कहेंगे इस पर, कंटेजियस? आई सपोर्ट हिम, मैं तो हूँ कंटेजियस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई थिंक डन। ऑलराइट, थैंक यू। ऑलराइट, लास्ट एक फोटो आप करा लो, एंड थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। हाँ, सबका एक एक ग्रुप पिक्चर ले लो, है ना? प्लीज गो ऑन। Like a film, as we just said, and you know, what were your thoughts and emotions, or any particular preparation? Because this is a very, very unique video which we haven't seen in many, many years. I think it's one of its kind. And my second question in continuation is, are you looking forward for a sequel? Of course, why not? Who doesn't want more? No, but I think preparation ki baat kare to, me as a person, I'm very fun and very bubbly and very energetic, where in the whole video if you see, mujhe ekdam sehmi si, shant, masoom, kaise main bolu, matlab, you know, I had to be that which I feel I'm not. To ye preparation mujhe thoda apne aap ko aise andar lena pada ki, no, you have to be that. Abhi abhi aapki shaadi hui hai, how would you behave? You know, हालांकि मैं ऐसे बिहेव नहीं करूंगी, बट कमाल आपने एक्टिंग करी। थैंक यू यस। एंड यू नो, करण बीइंग माय को-एक्टर, उन्होंने भी मुझे कई हद तक बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया। लाइक एवरी सीन कुछ होता था ना, तो वो मुझे बोलते थे इसको ऐसे कर, ऐसा शायद अच्छा लगेगा। तो आई थिंक एक सपोर्टिव को-एक्टर होना एंड देन ही इज गाइडिंग यू, इट्स ऑलवेज नाइस। सो द आउटकम इज वेरी नाइस। ऑफकोर्स द रिस्पेक्ट इज म्यूचुअल। सना भी मेरे लिए हेल्प, देखने वाला इंसान जब होता है ना सामने, तो वो बोलता रहता है कि ऐसे अच्छा लग रहा होगा। सो हम दोनों ने एक दूसरे के लिए वो किया। एंड ऑफकोर्स आई डिड नॉट मैंशन जिगर एंड ध्रुवल भाई, जो डायरेक्टर्स हैं, देयर विजन वॉज सो क्लियर। एंड टू आंसर योर फर्स्ट सेकेंड पार्ट फर्स्ट, ऑफकोर्स प्रीक्वल सीक्वल सब करना चाहेंगे, हमने तो 10 वीडियो की अब डील करके ही जाएंगे यहाँ से। एंड टू टॉक अबाउट द फील, द फिल्म फील, इट्स आई थिंक एंटायरली team that had come together, they had so much faith in this. Aur jahan humne shoot kiya, it's a very expensive and a very lavish place, aur jo costumes hain wo pehenne ke baad ek apne aap se, you know, we were in the part of history. 400 saal purana fort hai wo, which is converted into a hotel resort kind of a thing. To wahan pe raat ko walk karna ek apne aap mein ek wo tha ki yaar, yahan pe 400 saal pehle koi raja tha, koi rani thi jis pe jo buggy mein jati thi, sipahi the. So that entire this thing was a very surreal experience. So I think wo location, wo costume, wo sab apne aap ek character ke andar carry kar liya humne, mujhe lagta hai, hai na? I would say creatively ek choti choti details ka bhi dhyan rakha, you know, ek Rajasthani bride ko kaise hona chahiye, like everything from our costumes to our makeup to our hair to our jewelry to Karan's jewelry to Karan's look, you know, everything was taken care very well and very well planned. So the Victor and Tango team, thank you so much. So this is a film, hai na? Inshallah, film jaldi banegi iski.
my next question is to Javed and Mosmai. We, you know, when you create something which is so unique and so beautiful, and there's so much of responsibility because it's a recreation. जब आप final output आज, you know, you're watching it publicly, आप दोनों के क्या emotions हैं? देखिए, मैंने चश्मा इसीलिए पहन रखा है क्योंकि मेरी आंखें नम हो गई हैं और लाइट भी बहुत है सामने से. बिल्कुल यही रीजन है. देखिए, इस चकाचौंध से नहीं जलेंगे आप, साथ बनाए रखिए, अभी तो हम लंबा चलेंगे. या नहीं, बट मजाक के अलावा आज जैसे मैंने शुरुआत करी है, रो मत यार प्लीज, मैं हूँ देर साथ. तो पर रोना है तो रोना सही सही, ठीक है. तो सबसे पहली बात तो क्या है कि मोहब्बत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और ये मोहब्बत का एक इजहार का गाना है. और सबसे बड़ी बात, जो नाम साथ में जुड़ा हुआ है वही एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. एंड ऑफ कोर्स वी आर वेरी इमोशनल. आउटकम भी बहुत अच्छा लग रहा है. फ़ोन साइलेंट पे करके रखा है, बहुत रिंग हो रहा है एंड लोगों को पसंद आ रहा है. इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी अ सुपर सुपर हिट. सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए पारुल है. गाइज, पारुल इज हैंडलिंग द एंटायर मीडिया एंड इतनी अच्छे से ये अरेंज करती है और इतना अच्छे से काम करती है. वी नो पारुल सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो एक ज़ोरदार तालियां हो जाए पारुल के लिए. That's it guys. Thank you so much. ये गाने को आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग. I just want to thank everyone. Karan, Sana, Viral, Javed bhai, everyone. Parul, you're the best. God bless you, mom in heaven. Parul, you're the best. Guys, Victor Tango team के लिए भी जोरदार ताली हो जाए. बहुत अच्छा काम किया है. And my brother, my friends. My friends ध्रुवल पटेल एंड जिगर मुलानी, उन्होंने बहुत अच्छा गाना शूट किया है और बहुत मेहनत करी है गाने के पीछे, लोकेशन से लेकर हर चीज़ को लेके, और बहुत खूबसूरत बनाया है. जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन. चलिए, वी विल डू जस्ट पिक्चर्स एंड पिक्चर्स के बाद लंच इज सर्व्ड गाइस, यू कैन हैव लंच. थैंक यू. अरे हो गया तो हट जाओ भाई वीडियो के लिए. अरे यार तो नहीं मिलेगा. अरे रतन हट. सना सेंटर लो. सना पीछे कैमरा. पीछे पीछे ऊपर. अरे हट जाओ यार, हट जाओ, हो गया तो हट जाओ. हो जाए तो हट जाओ यार. चलो हो गया. हाँ हाँ चलो. मिल रहा है ना, इतना अच्छा है. करंदा इधर कैमरा लुक.